हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और दोस्तों, सुबह के 7:30 बज चुके हैं, तो आज मेरी जाने की तैयारी है देहरादून। और देहरादून यहाँ दुर्गाधार में पहुँच चुका हूँ। बाकी अभी इस वाली बाइक में जाएंगे हम अभी रुद्रप्रयाग तक, और रुद्रप्रयाग से आगे बस वगैरह देखेंगे। और परसों पेपर है तो पेपर देने जा रहा हूँ। तो बाकी मिलते हैं आगे दोस्तों आपको सीधे गाड़ी में रुद्रप्रयाग में। दोस्तों अभी श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और श्रीनगर बस अड्डे पे पहुंच चुके हैं। तो ये नया बस अड्डा बन रखा है, ये पीछे देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, 5-10 मिनट, और उसके बाद जाएंगे फिर आगे। दोस्तों इधर की तरफ ये NIT है, इसके जस्ट उधर की तरफ, और NIT के जस्ट बगल में अभी नया बस अड्डा बन रखा है ये वाला। तो ये और इसके बगल में उधर रोड क्रॉस करके इधर यहाँ पे पुलिस चौकी भी है। दोस्तों दोपहर के लगभग 11 बज चुके हैं और हम पहुँच चुके हैं तीन धारा में। और तीन धारा की लोकेशन देखो आप, यहाँ से देखो शानदार नज़ारा दिख रहा है यहाँ से तीन धारा का। फाइनली दोस्तों देहरादून में पहुंच चुका हूं और अपनी लोकेशन पे भी पहुंच चुका हूं। तो काफ़ी टाइम भी लग गया, लगभग 2:30 बज चुके हैं और 2:30 बजे पहुंचा हूं मैं यहां पे। और रेलवे स्टेशन छोड़ा सीधे बस ने, तो बस भी अच्छी मिल गई थी, और जिसमें मतलब थोड़ा तबीयत ख़राब तो हो गई थी लेकिन पहुँच गया था मतलब आराम से। और आज बस में पहली बार मेरी तबीयत ख़राब हुई है, इससे पहले तो होती नहीं थी वैसे, और मतलब पहली बार, और इसीलिए बस में जब आता हूँ मैं तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाती। दोस्तों रूम पे तो पहुँच गया लेकिन यहाँ कोई है ही नहीं रूम पे, और रूम पे शायद पता नहीं ऊपर छत में जा रखे हैं, इधर उधर घूमने जा रखे हैं, पता नहीं कहाँ जा रखे हैं। छोटी सिस्टर और उसी के घर में आता हूँ मैं आजकल डेली, है ना। तो जैसे आप सभी लोगों ने पिछली बार भी देखा होगा इसी के रूम पर था मैं, तो इस बार फिर से एक बार दोबारा आ चुका हूँ देहरादून में। तो ये देखिए बड़ी मुश्किल से पहुंचे हैं रूम पे, है ना। परी कहाँ जा रखी थी? ऊपर छत में। छत में जा रखी थी? मनु तो कहाँ जा रखी थी? छत पर। ले देख दो छत पर वो कौन लाया? वो कौन लाया? मामा लाया। देखो महारानी की तरह बैठी हुई है। पढ़ने करने की पढ़ने का तेरे को छोड़ने जा रहा हूँ ट्यूशन। हाँ। कहाँ पे है ट्यूशन? अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो रूम पे पहुँचने के बाद थोड़ा सा अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए यहाँ आया था घंटाघर तक, और घंटाघर में एक दो काम और थे तो उनको करके अभी आ गया हूँ मैं वापस और रूम पे जा रहा हूँ। दोस्तों घर में पहुंच गया था एडमिट कार्ड लेकर के, और देहरादून घंटाघर तक गया था और वहां पे कुछ काम वगैरह करके, और उसके बाद वापस आ गया था। थोड़ा टाइम भी लग गया और शाम को लगभग 6 बजे पहुंचा यहां रूम पे। और अभी दोस्तों हैं बोलो खाना। अब तो बीच में तब बोलना ठीक है। और दोस्तों अभी खाना खाने की तैयारी हो चुकी है हमारी, तो खाने में आज दोस्तों ये बना हुआ है आलू मटर और साथ में गाजर और रोटी। और ये देखो परी भी खा रही है ना, परी हैं तेरे को अच्छा लगता है मटर हैं? वो कहाँ गई?
मन्नु की प्लेट यहाँ पर रखी हुई है और अंदर चली गई है। किस लिए? अच्छा, तो दोस्तों अभी खाना खा लेते हैं क्योंकि खाना भूख लग चुकी है, क्योंकि दो मतलब सुबह से कुछ नहीं खाया था तो अभी भूख लगी हुई है मुझे बड़ी ज़बरदस्त। तो अभी खाना खाते हैं पहले और उसके बाद फिर थोड़ा सा। दोस्तों खाना पीना भी हो चुका है हमारा और अभी मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ अपना, और काम करने के बाद फिर थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद सो जाऊँगा। और दोस्तों अभी मतलब थकान लगी हुई है तो आज थोड़ा सा कम ही मतलब जल्दी सो जाऊँगा। बाकी दोस्तों आज मैं मतलब पेपर देने आया हूँ देहरादून, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है किसी का सेंटर टिहरी पड़ा हुआ है, किसी का देहरादून में, किसी का उत्तरकाशी, अलग अलग जगह पड़े हुए हैं। लेकिन उनमें उसमें मतलब एक चीज़ और भी है देहरादून में, जैसे कि आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे लगभग यहाँ पे मतलब धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है, और इवन कल के उसमें लाठी चार्ज भी करी है पुलिस वालों ने यहाँ पे देहरादून में, जो कि राजपुर रोड जो वहाँ पे गांधी पार्क है वहाँ पे मतलब लाठी चार्ज भी बहुत ही मतलब बेहिसाब ढंग से हुई थी वहाँ पे, जो कि नहीं करना चाहिए था, पुलिस वालों को भी नहीं करना चाहिए था। और दोस्तों मतलब ये है कि हम लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं और उस पर आप लोग लाठी चार्ज कर रहे हो, ये तो मतलब गलत बात है। और उसके बाद आज भी सुबह इवन वहाँ पे सुबह मतलब वहाँ पे गए थे जो तमाम सारे यहाँ के लड़के हैं देहरादून से, इधर उधर से, सब जगह से आ रखे हैं यहाँ पे लड़के। और मेरे को लगता है कि जो कल का जो पेपर है वो भी मतलब परसों जो संडे को पेपर होगा 12 तारीख को, तो वो भी मेरे को लग रहा है कि एक तरफ से मतलब कैंसिल ना हो जाए। कैंसिल होगा तो हमारा फिर टाइम वेस्ट है। पहले पिछली बार भी मैं देहरादून पेपर देने आया था, इस बार फिर दोबारा आ गया, और भले इस बार इन्होंने गाड़ियों में आने जाने का मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट रखा हुआ है, लेकिन फिर भी टाइम वेस्ट तो है ही। मतलब अब हम लोगों का जिन जिनका पेपर है और जिन जिनका क्या 18 से 42 साल तक की एज है उसमें, तो ओबियसली बात यह है कि मतलब 90-95% लड़के तो पेपर देने आ ही रखे हैं, सभी के सभी जितने भी बेरोजगार हैं। तो दोस्तों एक प्रकार से हम लोगों के साथ एक प्रकार से मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है, कुल मिला के कहने का मतलब यह है। तमाम सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं और हम लोगों को मतलब ऐसे ही रहना पड़ रहा है, और लीक होने का रीज़न भी कुछ आता पता नहीं चल रहा है अभी तक। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों, मतलब इसमें मैं बयां भी नहीं कर सकता आप लोगों को कि मतलब क्या होना चाहिए। आज ही देखो फिर दोबारा वहाँ पे लाठी चार्ज करी उन्होंने पुलिस वालों ने, तो जो कि लाठी चार्ज तो छोड़ो, एक लड़के का मैं न्यूज़ देख रहा था, एक लड़के के सर पे मतलब खून बह रहा था, तो वो भी मतलब एक गलत तरीका है। एक लड़का पूरा ज़मीन में पड़ा हुआ है, उस पर फिर तब जाके बड़ी मुश्किल से पानी मंगाया उन्होंने, पानी के छींटे मारे तब जा करके कहीं जा करके उसको होश आया होगा। तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में देख रहा था, तो जो कि गलत है और होना भी नहीं चाहिए। बाकी दोस्तों कल थोड़ा सा मेरा जाने का प्लान है वहीं पे जहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज मैं गांधी पार्क में गया था जब मैं घंटाघर गया था, लेकिन वहाँ उन्होंने मतलब लॉक लगा दिए हैं, चारों तरफ से मतलब बंद है, पुलिस वालों की ड्यूटी लगा रखी है वहाँ पे। बाकी अभी दूसरी जगह पे चल रहा है शायद, वो भी मुझे अभी रात को पता चला, कोई शहीद स्मारक पार्क है कोई, पता नहीं कहाँ पे है, मुझे भी नहीं पता। तो कल मॉर्निंग में हो सकता है मैं उस जगह पे जाऊँ जहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो अगर जाऊँगा तो आपको ज़रूर दिखाऊँगा वहाँ के जो भी चल रहा है वहाँ पे, तो वह आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ देहरादून में, आप लोगों को पता ही है कि मैं देहरादून आ चुका हूँ। तो दोस्तों आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलते हैं अगले नए किसी ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग एंड बाय बाय।